आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना सामने आई है। यहां मदुरई स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के कोच में आग लग गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दक्षिणी रेलवे के सूत्रों ने बताया कि लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के एक यात्री कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पुनालोर मदुरई एक्सप्रेस में आज सुबह 5:15 पर मदुरई यार्ड में निजी कोच में आग लगने की सूचना मिली। अग्निशमन सेवाओं ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और अन्य डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने का ये है कारण। दक्षिणी रेलवे ने ट्रेन में आग लगने का खुलासा किया है। रेलवे के अनुसार आग यात्री छुपाकर गैस सिलेंडर ले जाने के चलते हुई है। अधिकारियों ने कहा कि निजी पार्टी कोच में यात्री गैस सिलेंडर को अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया गया था। कोच में लगी आग काफी भीषण थी, जिसे बड़ी मुश्किल से अग्निशमन कर्मियों ने बुझाया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा। रेलवे द्वारा ट्रेन में लगी आग से मरने वाले लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। खाना पकाने की कोशिश में हुआ हादसा। दक्षिणी रेलवे ने बताया कि आग शनिवार सुबह 5:15 पर लगी और आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन सेवा कर्मियों ने सुबह 7:15 पर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने कहा कि घटनास्थल पर बिखरे हुए सामान में एक सिलेंडर और आलू का एक बैग शामिल था, जिससे पता चलता है कि वहां खाना पकाने की कोशिश की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन में पार्टी कोच को नागरकोइल जंक्शन पर जोड़ा गया था और 17 अगस्त को लखनऊ से इसकी यात्रा शुरू हुई थी। उनका कल चेन्नई लौटने का कार्यक्रम था और वहां इसे लखनऊ लौटना था।